नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं झारखंड का रंगामाटी गांव में और वहां पे एक फार्मर है जो कि उन्होंने पूरे 15 से 20 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करते हैं। और ऑर्गेनिक खेती ऐसे करते हैं कि वहां पे एक फुटबॉल मैदान था पहले और उसको उन्होंने बाद में पूरे ऑर्गेनिक प्लॉट में तब्दील कर दिए हैं। तो उन्होंने कैसे किए हैं, चलिए उनसे हम लोग डायरेक्ट जान लेते हैं। जोहार, मेरा नाम संतोष बेदिया हुआ और मेरा गांव हुआ रंगामाटी बरवाटोली, जिला रांची, झारखंड का। अच्छा, तो संतोष जी, यहाँ पे जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो इनका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है लगभग अभी 15 से 20 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो इनका सोच कहाँ से आया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर किसान केमिकल की खेती करते हैं, लेकिन इनका जो सोच है कुछ अलग ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे, तो इनका सोच कहाँ से आया वो उनसे जान लेते हैं। देखिए, मेरा सोच रामकृष्ण मिशन का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से मेरा सुनने में आया हमको कि ऑर्गेनिक खेती से भी अच्छा कमा सकते हैं, उसमें अच्छा। कम लागत। आप दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कहाँ से किया है। हम अपने गांव में ही 25 डिसमिल से हमने इसको जानने के लिए हम स्टार्ट किए। अच्छा। वास्तविक में ऑर्गेनिक खेती होता है कि केवल बोला हुआ बात चलता है। हाँ। इसीलिए हम पहले 25 डिसमिल स्टार्ट किए तो अच्छा लगा। हाँ। अभी आपका कितना टोटल एरिया है? अभी मेरा 15 एकड़ का टोटल ये है। दो जगह हम लीज में उसको ये किए कि सभी कोई तो रासायनिक खेती करता है तो क्यों ना हम ये जैविक खेती करें। अच्छा। तो इसलिए हम दो फार्म बनाए हैं 6-6 एकड़ का। और हमने सुना है कि आपका ये पहले फुटबॉल मैदान था और उसके बाद आपने ये पूरा ऑर्गेनिक प्लॉट में तब्दील कर दिए हैं, तो ये कैसे किए हैं? ये बहुत बढ़िया जानकारी दिए आप कि ये वास्तविक में पहले फुटबॉल का मैदान हुआ था, हुआ करता था, ये बंजर पड़ा हुआ था। अच्छा, अच्छा। किसी प्रकार का खेती कभी नहीं होता था। नहीं। और हम जब यहाँ कदम रखे तो बोला कि ये क्या करने जा रहा है, यहाँ तो कुछ होता नहीं है। बोलता है कि पैखाना करने से यहाँ भुरका नहीं उठता है। अच्छा, अच्छा। और यहाँ पर खेती होगा। अच्छा, अच्छा। तो हम सोचे कि चैलेंज के तौर से हम लिए इसको और वही गुड़ बेसन हाँ। का बना के हाँ। डीएपी और कुछ गोबर केचुआ खाद बना के स्टार्ट किए। अभी देखिए, तो सब कुछ है वो हाँ। हम लोग आगे जान लेंगे। ठीक है। आप दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और क्या क्या नुकसान होता है। तो इससे बेनिफिट यही है कि कम खर्चा में हम ज़्यादा खाद बना लेते हैं और अधिक खेती कर लेते हैं। और इसमें हम ट्रायल के तौर पे किए हैं कि ड्रिप इरिगेशन से हमको कम समय लगता है। हाँ। बिजली का भी बचत होता है, पानी का भी बचत होता है। तीसरा है कि इसमें जो खाद है द्रव जीवा उसको हम ड्रिप के माध्यम से पूरा उसका फेड़ के सामने पहुंचाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसका ग्रोथ भी बढ़िया होता है, हर 15-20 दिन में देते हैं। अच्छा, अच्छा। ये बताइए कि आप जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो बाकी जो आदमी केमिकल का खेती करते हैं तो उनका जो फल निकलता है और आपका जो फल होता है वो मंडी में सबसे पहले कौन सा मतलब बेच जाते हैं? देखिए, पहले तो उन लोग का बिकता था, लेकिन मेरा जब बाजार जाने लगा, जब जाने लगा तो इसका चमक तो अलग है नहीं? जब खाने के बाद में वो स्वाद लगने लगा तो व्यापारी बोला कि आपका ही हमको खीरा उगाए थे तो आपका ही खीरा चाहिए। हाँ, या तो करेला उगाए तो आप ही का चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग है, टेस्ट होता है और वो ज्यादा दिन रख के बिक्री कर लेता है। अच्छा, अच्छा। एक दो दिन में खराब नहीं होता है। अभी जो बैगन लगाए हैं अभी तो यही स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसीलिए ये जो है जैविक खेती का हम इसमें दो बार ले लेते हैं। अच्छा, है नहीं? उन लोग एक बार लेगा तो हम दो बार लेते हैं। अब इसको मतलब जैविक खेती करने से नुकसान क्या क्या होता है? जैविक खेती करने से नुकसान नहीं होता है, इसमें घास उस होता है बहुत ज्यादा, है नहीं? तो उसमें हम लोग को घास निकालने के लिए लेबर ज्यादा लग जाता है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है। लेकिन अभी जो है एक चीज आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अभी हम ऑर्गेनिक से भी बदल लिए हैं कि अभी प्राकृतिक खेती में आए हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक से और सस्ता है। अच्छा, अच्छा। और सरल है। अच्छा। हाँ, दो गाय से हम अभी
15 एकड़ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तुरंत ऑर्गेनिक में होता है क्या कि वो 2 महीना लगता है तैयार खाद बनाने में, और हम ये प्राकृतिक खेती में जो हम द्रव जीवा बनाते हैं वो 12 से 15 दिन में बन जाता है। अच्छा। तो अभी हम उसको ट्रायल भी कर रहे हैं और उससे अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक, सस्ता मिल रहा है। आप दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि ये जो फार्मर है इनका आगे जाके इनका ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या सोच है, वो हम लोग इनसे जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अभी हम लोग कम खर्चा कराने के लिए, कम लागत लगे इसके लिए हम प्राकृतिक खेती में आ रहे हैं। अच्छा। प्राकृतिक खेती में यही होता है कि इसमें जो है केवल गुड़, बेसन, गोबर, गोमूत्र और थोड़ा टीला मिट्टी से 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो गोबर में हम इसको 1 सप्ताह के अंदर में 1 एकड़ में खाद बना सकते हैं। अच्छा। तो ये मेरा सस्ता हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और यदि जैविक खेती करते हैं तो उसके लिए 2 महीना का इंतजार करना पड़ता है, केचुआ खाद बनाना होगा, गोबर खाद बाहर से लाना होगा। तो इसीलिए अभी मेरा सोच है कि इसको प्राकृतिक खेती करें, और प्राकृतिक खेती में आसपास का जितना भी हमारे सेवा संघ का गांव है, विवेकानंद सेवा संघ गठन किए हैं, उसको सभी को बोल के और एक मीटिंग करना चाहते हैं, और ये प्राकृतिक खेती सभी अपने कोई ड्रिप के माध्यम से करें, और इसका जो है अच्छा जो है जो हम लोग का सब्जी है ये मंडी हम लोग को रांची में बड़ा बड़ा टाउन में मिलना चाहिए। अच्छा। जो कि अच्छा से हम लोग शहर के आदमी को रासायनिक मुक्त, जहरीला मुक्त हम लोग सब्जी सबको खिला पाए। अच्छा। और उसका बीमारी से हम लोग बचा सके। अच्छा। यही मेरा सोच है कि जगह जगह में इसका हम लोग स्टॉल रहे, दुकान रहे। आप दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि 1 एकड़ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से मल्चिंग और ड्रिप के साथ कितना खर्चा बैठता है, इनसे हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हमको अच्छा मुनाफा करना है। अच्छा। और कम मेहनत करना है और लेबर मजदूरी बचाना है तो हमको ड्रिप सिस्टम को अपनाना होगा और ड्रिप के साथ में मल्चिंग को अपनाना होगा। तो इसके लिए हमको 1 एकड़ में 60 से 70 हज़ार रुपया शुरुआती दौर में आता है खर्चा। अच्छा, 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए। अच्छा। उसमें मल्चिंग लगता है, उसमें लेबर लगता है, है नहीं? उसके बाद में एक बार तैयार होने के बाद हम 3 गो खेती आराम से ले लेते हैं। उसमें से ही ले लेते हैं। एक लेते हैं, एक में जितना खर्चा है वो निकल जाता है और 2 गो में आपका बेनिफिट ही बेनिफिट। आप दोस्तों जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या क्या समस्या का सम्मुखीन होना पड़ता है, वो उनसे हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा तो समस्या हमको ऑर्गेनिक खेती में नहीं आ रहा है। अच्छा। केवल जो है कीटनाशक जो बनाना होता है, कीटनाशक दवा या तो ये बनाना है तो उसके लिए अलग अलग ड्राम ये है, ड्राम से बना के रखना पड़ता है, तो ज़्यादा दिक्कत है, पूरा एक्टिव रहना पड़ता है। अच्छा। कि ये पहले बीमारी आने वाला होगा तो उससे पहले आपको बना के रेडी रखना, रेडी रखना होगा। हाँ। क्योंकि बाजार से तो ये मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, इसलिए ये सिस्टम में आना होगा। अनुभव को उसमें ज़्यादा जरूरत पड़ता है। ये खेती लगाए जैसे बैंगन लगाए, तो बैगन लगाए अभी तो इसमें अब फल छेदक आएगा, तो इसके पहले हमको अग्निअस्त्र ब्रह्मास्त्र बना के रखना होगा। हाँ। तो ये समस्या आएगा, यदि आप बैठे रहिएगा तो आपका फल छेदक खा के खत्म कर गया, तब दवा बनेगा। हाँ। इसलिए उससे पहले आपको अनुभव का जरूरत होता है। अच्छा, अच्छा। तो उसको बना के रेडी रखना पड़ेगा, ये थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। इसके लिए आपको देसी गाय 2-4 गो रखना होगा। अच्छा। क्योंकि देसी गाय का गोबर और गोमूत्र का ही कमाल है, और गुड़ और बेसन। हाँ। और 10 प्रकार का। हाँ। जो मवेशी नहीं खाता है। हाँ। वैसा पेड़ पौधा आपको आगान बगान में लगा के रखना होगा, जो कि ज्यादा दूर हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है। अच्छा। और 10-15 ड्राम रहे, उसको सड़ाने का रहे, यही है। आप दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि केमिकल का जो खेती होता है उसमें हम लोग फंगीसाइड छिड़काव करते हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़काव करते हैं, अलग अलग PGR छिड़काव करते हैं, तो इन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग किए हैं तो इनका जो दवा होता है वो इनका क्या क्या दवा होता है और वो कैसे बनाते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो फंगीसाइड के लिए सबसे सरल दवा है वो छेना पानी बोलते हैं। अच्छा। या तो आपको खट्टा वाला पानी, और उसमें 3 लीटर में 100 लीटर हम लोग
पानी में घोल के और शाम के समय में स्प्रे करते हैं, उससे हमको वो फंगिसाइड का काम मिल जाता है। हाँ, काम और मिल जैसे जाता कि इंसेक्टिसाइड में कीटनाशक अगर हम लोग ऑर्गेनिक कोई बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या होता है? सबसे सरल है इसमें कि आपको जो 10 प्रकार का जो मवेशी नहीं खाता है, सब जगह अलग अलग होता है, तो वैसा पेड़ पौधा का सड़ा लेते हैं। एक मात्रा है 2-2 किलो करके, एक 5 किलो करके भी है, तो वो मात्रा के आधार पर आप हम लोग बना लेते हैं, 30 से 40 दिन बना लेते हैं दसपर्णी, फिर निमास्त्र बना लेते हैं, अग्नियास्त्र बना लेते हैं, जिससे कि बड़ा बड़ा कीटाणु जो है फल छेदक लगता है, तो वो सब खत्म हो जाता है। और दसपर्णी में तो हर एक प्रकार का जो छोटा छोटा ये सफेद मक्खी उखी है, हाँ, जो सब पेस्ट होता है, हाँ, हाँ, इस सब मर जाता है। और पीजीआर की यानी कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पौधे का जो बढ़वार होता है, फुल फ्लावरिंग के लिए टोनिक व्यवहार करते हैं, तो वो कौन सा यूज करते हैं? उसमें हम फिश टोनिक, जो मछली का जो बेकार पड़ा रहता है और उसको हम अपना ड्राम में उसको सड़ाते हैं, अच्छा, गोबर गौमूत्र दे के उसको बना लेते हैं, फिर उसको स्प्रे करते हैं, अच्छा, तो वो काफी फूल फ्लावर आता है। तो धन्यवाद, आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी हमको भी मिले हैं और पूरे किसान भाई को भी मिले हैं। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो 1 एकड़ के लिए आप लोग कर सकते हैं। शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाद में जाके आप लोगों को बहुत सारे फायदा देखने को मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो ले आते रहेंगे।